Recording. ओके जी, अभी हम आपके एंडोक्राइनोलॉजी के आज के लास्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं और उधर से देखते हैं कि क्या आपका रिमेनिंग रह गया है। वो मैं करवा दूंगा कल, वो कल इसके अंदर हो जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, ओके बच्चों, अभी हम जो आपकी ड्रग डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाली अभी हम जो ड्रग्स आप लोगों की देखनी है, इन ड्रग्स को क्या कहते हैं, थ्यूनामाइड्स। ये थ्यूनामाइड्स के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है? थ्यूनामाइड्स के अंदर आपकी दो तरह की ड्रग्स आती है। एक ड्रग को हम कहते होते हैं प्रोपाइल थायरोयूरासिल और एक जो ड्रग होती है उसको हम कहते हैं मिथामिजोल। आपने कहना एक जो ड्रग आती है उसको हम कहते हैं प्रोपाइल थायरोयूरासिल और दूसरी जो ड्रग आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का मिथामिजोल कहते होते हैं। अब देखें थ्योनामाइड के अंदर जो मैंने बताया कि प्रोपाइल थायरोयूरासिल और उसके बाद जनाब आपकी मिथामिजोल होती है, ये ड्रग आती होती है और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को कुछ याद हो, मैंने जब हम आपके T3 और T4 की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, आप लोगों को याद है T3 और T4 की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कहा था कि हाँ जी जनाब, ये जो TSH हार्मोन अच्छा जी, आवाज आ रही है अब आप लोगों को? आवाज आ रही है? ओके, अब देखें, हम लोगों को TSH हार्मोन के बारे में यहां तक पता चला था कि जो TSH हार्मोन होता है वो आपके आता होता है जनाब आपके थायराइड के फॉलिकल्स के ऊपर, और जब थायराइड के फॉलिकल्स के ऊपर आता है वहां से T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाता है, याद है आप लोगों को? और ये सारा कुछ तो हम लोगों ने देखा था कि T3 T4 की प्रोडक्शन करवाता है। साथ हमने एक बात ये भी डिस्कस की थी कि आपका जो आयोडाइड होता है, जिसको हम I2 कहते हैं, आयोडाइड होता है, ये जनाब आपके सोडियम से साथ को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए ब्लड से आपके फोलिकल्स के अंदर जाता है, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जाता होता है। ठीक है, आयोडाइड जो होता है, यानी कि इस तरह, ठीक हो गया। अब ये जनाब आपके सेल के अंदर जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आयोडाइड जो होता है वो एक और सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है जिसका नाम होता है आयोडीन, क्या होता है, एक तरह का आयोडीन। और वो एंजाइम जो आयोडाइड को आयोडीन के अंदर चेंज करता है उस एंजाइम का नाम होता है थायराइड और ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, वो प्रोसेस जिसके जरिए आयोडाइड आयोडीन के अंदर चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते होते थे ऑक्सीडेशन। क्या कहते थे? एक तरह का ऑक्सीडेशन कहते होते थे। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब ये जो आयोडीन होता है ये जनाब आपके टायरोसिन के साथ, जो थायरोग्लोबुलिन होता था उसके साथ लग जाता था, थायरोग्लोबुलिन के साथ लगता था, जब ये इस तरह लगता था
तो हम कहते थे कि हाँ जी जनाब एक तरह की ऑर्गेनिफिकेशन कपलिंग वगैरह का प्रोसेस होने लगा है। फिर ये होता था थायरोग्लोबुलिन के साथ जनाब आपका क्या होता है जी बिल्कुल, हम कहते थे ये ऑर्गेनिफिकेशन होती है आई टू, ठीक हो क्या। फिर हम कहते होते थे कि हाँ जी जनाब ये जनाब आपका आयोडाइड इधर भी लग रहा है, उसके बाद इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। फिर हम कहते थे उसकी जनाब एक तरह की कपलिंग भी हो रही है। बात करने का जो मकसद है हम ये देख रहे थे कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का, अवैस आपका माइक ऑन है इसको म्यूट कर लो। बात करने का मकसद ये है कि हाँ जी जनाब हम इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपका थायराइड का ये पड़ा था कि आपका जब थायराइड T3 T4 की सिंथेसिस होती है उसके अंदर जो आयोडाइड होता है वो आयोडीन के अंदर चेंज होता है, और वो इंजाइम जो आयोडाइड को आयोडीन के अंदर चेंज करता है उसका नाम होता है थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम नंबर वन, और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन करवाते हैं कहते हैं। और आयोडीन जब थायरोग्लोबुलिन के साथ कर लगता है इस प्रोसेस को भी थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम करवाता है, उसके बाद ये जनाब आपकी कपलिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो भी थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम करवाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि आपका एक तरह का T4 जो होता है वो T3 के अंदर भी चेंज हो रहा होता है, ये भी आपने देखना होता है, ठीक है। अब हम ये जो आपके ड्रग्स जो पढ़ रहे हैं वो चीज है, जब ये एक तरह का T4 बन जाता है तो T4 जो होता है वो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जाता है और वो T3 के अंदर चेंज कर देता होता है, और वो एंजाइम जो T4 को T3 के अंदर चेंज करता होता है उसको हम कहते होते हैं डी एओडीनेज एंजाइम, ये कहते होते हैं बच्चों। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, वो चीजें वो एंजाइम्स जो थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम को चेंज तब मतलब कि एक तरह का इनहिबिट करते हैं, क्या आपका T3 और T4 की सिंथेसिस होगी? पहले तो ये बताएं, शाबाश, आपके T3 और T4 की सिंथेसिस नहीं होगी। जब आपके T3 T4 की सिंथेसिस नहीं होगी, और एक देखें T4 और T3 में से ज्यादा जो एक्टिव फॉर्म होती है वो किसकी होती है? T3 की होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने आपने ऐसे ऐसी ड्रग इस्तेमाल की जो कि डीओडीनेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है, तो क्या आपके T3 की सिंथेसिस होगी? T3 की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर T4 T3 के अंदर चेंज होता है जो कि मोस्ट एक्टिव है। अब मोस्ट एक्टिव नहीं रहा तो हम बेसिकली इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? हम उस वक्त यूज नहीं कर सकते अगर किसी बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर किसी बंदे के अंदर T4 T3 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसी कंडीशन के अंदर चेंज कर सकते हैं ना। तो देखें ये ड्रग्स क्या काम करती है, जो हमने पढ़ा वही करती हैं कि ये जो ड्रग्स होती हैं वो थायराइड परोक्सीडेज इंजाइम को इनहिबिट करती हैं। जब थायराइड परोक्सीडेज इंजाइम इनहिबिट होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, जब ऑक्सीडेशन नहीं होती तो फिर उसकी ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होती, जब ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होती तो फिर कपलिंग भी नहीं होती, जब कपलिंग नहीं होती तो T3 और T4 की सिंथेसिस नहीं होती। और उसके बाद हमने कहा कि हाँ जी जनाब आपका T4 पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जाता है, T3 के अंदर चेंज होता है, और आपका जो वो एंजाइम जो चेंज करता है उसको हम कहते हैं डीओडीनेज एंजाइम, और वो ड्रग जो इसको इनहिबिट करती है उसको हम कहते हैं प्रोपाइल थायरॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ब्लॉक थायराइड परोक्सीडेज इनहिबिट, ब्लॉक थायराइड परोक्सीडेज यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, इनहिबिटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एज वेल एज ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग ऑफ द आयोडीन, क्या करता है ये एक तरह का कपलिंग भी इनहिबिट कर देता है, कपलिंग ऑफ आयोडीन। इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस प्रोपाइल थायरोयूरल सेल आल्सो ब्लॉक, प्रोपाइल थायरोयूरल सेल आल्सो ब्लॉक 5-डीओडीनेज क्या काम करता है, लो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। अब समझ आ गई, तो हम इनको किन कहां पर यूज कर सकते हैं यार, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर चूज करते होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना ये MCQ आता होता है जो कि कई बार दफा पूछा भी गया हुआ है कि हाँ जी जनाब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर एक फीमेल है उस पर जनाब हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोज है तो फर्स्ट, और वो अब वो प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप कौन सी जो है वो जनाब एंटी थायराइड ड्रग जो होती है या फिर आपका थायोनामाइड जो होती है वो ड्रग जो होती है आप यूज करते हो, तो आपने पता क्या कहना है, पहला प्रोपाइल यूरासेल, पी से प्रोपाइल आता है, प्रोपाइल थायरोयूरासेल, पी से पहला और पी से प्रोपाइल दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। आपने कहना है कि पहले ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोपाइल थायरोयूरासेल देते हैं अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हाइपर थायराइडिज्म है तो, अगर फीमेल उसको हाइपर थायराइडिज्म है तो मिथामिजोल क्यों नहीं देते, क्योंकि मिथामिजोल एक टेराटोजेनिसिटी करवाता है, यानी कि ये जनाब आपका एक तरह का आपने ये कहना है कि ये जो मिथामिजोल होता है वो जनाब आपका टेराटोजेन फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो ड्रग्स या वो केमिकल्स या वो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि जनाब बच्चे को प्लेसेंटा को डैमेज करे नुकसान पहुंचाए उसको हम टेराटोजेनिक फैक्टर कहते होते हैं। उसके अंदर ड्रग्स भी आ सकती हैं, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन भी आ सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ सकती हैं, कई चीजें आती हैं, ठीक है। तो अभी तक हम इसको देख रहे होते हैं, उसके बाद देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जनाब हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर इस्तेमाल होती है, प्रोपाइल थायरॉयड यूज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू
ड्यू टू मिथामिजोल टेरेटोजेनिसिटी। क्यों? क्योंकि मिथामिजोल का तो एक तरह का इफेक्ट करती है। मिथामिजोल का भी इफेक्ट करती है आपके सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आप देते हो, ठीक हो गया। मिथामिजोल यूज इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू रिस्क ऑफ प्रोफाइल। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल थायरोयूरासिल जो होता है वो जनाब आपके लीवर को डैमेज करता है, इस वजह से हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोफाइल थायरोयूरासिल नहीं देते बल्कि मिथामिजोल देते हैं ड्यू टू रिस्क ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू, नहीं देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ना वो जनाब आपके आर्गन बनने होते हैं, तब तक जनाब आपके आर्गन बन जाते हैं। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कोई आर्गन बनने का इस तरह कोई खास इश्यू नहीं होता, तो इस वजह से आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर दे सकते हो। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है तब आपका किसी बंदे का हार्ट बनना है, किसी के जनाब आपके प्रॉपर आर्गन बनने हैं, तब आप दोगे तो ऑर्गन की सही तरह एक तरह की फॉर्मेशन नहीं होती। इस वजह से अगर आप सेकंड थर्ड के अंदर देते हो तो इतना इशू नहीं बनता होता। उसके बाद देखें कि प्रोफाइल थायरोयूरासिल हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि ये क्या काम करवाती होती है, ये जनाब आपकी हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। नॉट यूज टू ट्रीट ग्रेव एफ्थाल्मोप्लेजिया। ग्रेव डिजीज कौन सी है? वो कहते हैं ग्रेव डिजीज के अंदर हम ये नहीं देते। क्यों नहीं देते? ग्रेव डिजीज के अंदर हम इस वजह से नहीं देते क्योंकि ग्रेव डिजीज आपकी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज को हम कैसे ट्रीट करते होते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज को हम स्टीराइड से ट्रीट करते होते हैं। तो आपने कहा ना उसके अंदर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। तो नॉट यूज टू ट्रीट द ग्रेव ऑफ्थाल्मोप्लेजिया ट्रीट विद कोर्टिकोस्टेरॉइड। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अब हम ये देखते हैं। देखें बच्चों, ये जितने भी मिथामिजोल प्रोफाइल थायरोयूरासिल जो होती हैं इनके जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि आपको पता है कि प्रोफाइल थायरोयूरासिल क्या है आपका, हिपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद मिथामिजोल क्या होता है, ये जनाब आपका एक तरह का आपने कहना है कि यार ये टेरेटोजेनिक है, मतलब क्या, ये एक तरह का मतलब के क्यूटस अप्लेजिया करवा देता होता है। उसके बाद अग्रेनुलोसाइटोसिस करवा देता है, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस ही नहीं होते। आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हम उनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे जो होते हैं उसको हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट कर देता होता है। आपने ये कहना है जो अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन को एक तरह का टोटली इनहिबिट कर देते हैं, उसको होने नहीं देते, तो इस वजह से आपके मतलब के ये विकास ये करवाती होती है। अब देखें बच्चों, अभी हम देखते हैं कि एक तरह का स्किन रैशेज हो जाते हैं, ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकती है, रेयर है, लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया मुकम्मल तौर पर आपके सेल्स की प्रोडक्शन ही नहीं होती, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, और मिथामिजोम क्या होती है, एक तरह की क्यूटिस अप्लेजिया करवाती है। ये था आपका एक तरह का वो ड्रग्स जो कि जनाब T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं, जिसके अंदर दो तरह की ड्रग्स आती हैं, मिथामिजोल प्रोफाइल थायरोयूरासिल। हम लोगों ने देखा सबसे पहले प्रोफाइल थायरोयूरासिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मिथामिजोल यूज होती है, क्यों मिथामिजोल यूज होती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोफाइल थायरोयूरासिल हिपेटोटॉक्सिक होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्यों नहीं मिथामिजोल इस्तेमाल होती, क्योंकि टेरेटोजेनिक होती है, क्यूटिस अप्लेजिया करवा सकती होती है। उसके बाद इसकी वजह से जनाब अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, साइटोसिस हो सकती है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जनाब हम आगे आते हैं कि आगे का क्या हिसाब है। 5-डायोडीनेज एंजाइम को कौन इनहिबिट करता है? प्रोफाइल थायरोयूरासिल, ये भी आपका एमसीक्यू आता होता है। अब आ जाते हैं आगे। अच्छा बच्चों, ये जब ड्रग हमने यूज की वो क्यों की? क्योंकि थायराइड को कम करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर जब थायराइड की सिंथेसिस नहीं हो रही तो हम ऐसी ड्रग नहीं यूज करेंगे जो थायराइड दें जिसके अंदर। अगर किसी बंदे के अंदर थायराइड पैदा ही नहीं हो रहा तो हम क्या देंगे? हम उसको थायराइड वाली ड्रग्स देंगे। और थायराइड वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं? थायरोक्सिन और थायरोनिन। क्या होता है? लिवोथायरोक्सिन और लिवोथायरोनिन। जो लिवोथायरोक्सिन होती है इसका दूसरा नाम होता है T4। जो थायरोनिन होती है उसका दूसरा नाम होता है T3, ठीक होगा। ये आपने याद करना है। आपने कहना है अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का थायराइड की सर्जरी हो गई है, ये एक बंदा उसको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसका थायराइड पैदा ही नहीं हो रहा, यानी कि थायराइड हार्मोन पैदा ही नहीं हो रहा, तो आप क्या दोगे? आप यार उसको ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी दोगे ना, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर आप क्या दे सकते हो? या आप लिवोथायरोनिन दे सकते हो, या एक तरह का लिवोथायरोक्सिन दे सकते हो। लिवोथायरोक्सिन T4 है, लिवोथायरोनिन आपकी T3 होती है। तो अब देखें आपने क्या कहना है कि आप कब देते हो? जब किसी बंदे को हाइपोथायराइडिज्म हो, ठीक हो गया बच्चों। अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या काम करवाती है। आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट फॉर T4 लिवोथायरोक्सिन और T3 लिवोथायरोनिन क्लिनिकल यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है? हाइपोथायराइडिज्म, मैक्सिडीमा, मे बी अब्यूज्ड फॉर वेट लॉस। देखो यहाँ पर उसने ये लिखा होगा कि मे बी अब्यूज्ड फॉर वेट लॉस। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो आपके थायराइड हार्मोन होता है वो क्या काम करता है? वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है,
हाँ जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके अंदर क्या होता है, बंदे का वेट लॉस होगा, उसके अंदर जनाब सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी होगी। उसके बाद जनाब आप जब आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात देखें, इसके अंदर क्या होता है, जीआईटी की मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। जब जीआईटी की मोर्टेलिटी ज्यादा होगी तो खाना एब्जॉर्ब कम होगा लेकिन एक तरह का वेस्ट ज्यादा होगा, मतलब बंदे को डायरिया होगा, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है। इस वजह से आप कहते हैं कि इसको हम क्या करते होते हैं, का यूज किया जाता है, ठीक है, वेट लॉस के लिए। उसके बाद देखना है कि आपने एक तरह का एक बंदा है, ठीक है, हम उसके लिए एक तरह का, जब किसी बंदे को जब हम ये देते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी आप देखते हो कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्या मेजरमेंट क्या आ रही होती है, तो वो देखने के लिए ब्लड फ्लो इसका क्या है थायराइड का, तो उसको देखने के लिए भी हम यूज करते होते हैं। तो आपने कहना है कि मेजरमेंट ऑफ थायराइड ब्लड फ्लो ऑन अल्ट्रासाउंड, ये भी आप देखते होते हो। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन आप टेक के लिए भी आप यूज करते होते हो। इसके बाद ये हो गया, ये जो बात है ना, ये वाली जो एंडोजेनस और एक्सोजेनस हाइपरथायरायडिज्म, देखो डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्सोजेनस हाइपरथायरायडिज्म फ्रॉम एंडोजेनस हाइपरथायरायडिज्म बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर ना आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि अगर किसी बंदे को हाइपर थायराइडिज्म है तो आपने देखना है कि ये एंडोजिनस है ये एक्सोजिनस है। अब उसको हमने एक तरह का मतलब के डिस्टिंग्विश करना होता है। एक्सोजिनस के अंदर क्या, एंडोजिनस के अंदर क्या होता है कि आपकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीबॉडीज होती हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेव डिजीज हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेव डिजीज के अंदर क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बॉडीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो थायराइड फोलिकल्स को बार बार मैसेज देती हैं जिसकी वजह से T3 T4 की प्रोडक्शन होती होती है। हमने ये करना है, हमने बाहर से ये देनी होती है। उसके बाद हमने देखना होता है कि हाँ जी जनाब TSH जो हार्मोन जो स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट होता है कि नहीं होता। तो आप बेसिकली इस अल्फाज को, इसको इस तरह यूज कर सकते हो कि हम एंडोजिनस और एक्सोजिनस के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये यूज करते होते हैं कि आपके एंडोजिनस प्रोडक्शन है या एक्सोजिनस प्रोडक्शन है। इस वजह से भी पहले हमने क्या यूज किया कि देखें थायरोनिन लिवोथायरोक्सिन जो होती है ये हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम देते हैं, मैक्सिडीमा के अंदर देते हैं, वेट लॉस के अंदर देते हैं, ये सारे मैकेनिज्म हमें पता चल गए कि क्यों देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हाँ जी जनाब हमारा जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि डिस्टिंग्विश करना दोनों को, एक तरह का अलग सेपरेट करना किस किस से। फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है कि एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, इन दोनों से आपने एक तरह का डिस्टिंग्विश करना होता है। उसके बाद आपने रेडियो आयोडीन अपटेक के अंदर इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद क्या होता है, एक तरह का अल्ट्रासाउंड के जरिए ब्लड फ्लो जो होता है वो जनाब क्या होता है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हो। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, शाबाश, अगर फॉर एग्जाम्पल आप थायराइड ले रहे हो तो थायराइड ज्यादा लेने की वजह से क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म का साइड इफेक्ट क्या होता है, वो भजन टैकीकार्डिया नहीं होता, हाइपरटेंशन मतलब के ठीक हो गया, बंदे को ज्यादा गर्मी नहीं लगती, बंदे को डायरिया नहीं होता, बंदे को ट्रेमर्स अरिदमिया ये सारा कुछ होने के चांसेस होते हैं। ये तो आप लोगों को मतलब काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि हाइपरथायरॉइडिज्म या क्या क्या थायराइड स्टोम्स के अंदर क्या इफेक्ट होते हैं। आपको पता है कि यार उसके अंदर हीट पैदा बहुत ज्यादा होती है, ट्रेमर्स होते हैं, उसके बाद हीट जो होता है, अरिदमिया होते हैं, टैकीकार्डिया होते हैं, ये सारे के सारे हम देखेंगे। इसके साथ और क्या होगा, वेट लॉस आपका साइड इफेक्ट होगा, डायरिया आपका साइड इफेक्ट होगा, उसके बाद इंसोम्निया आपका साइड इफेक्ट होगा, गुस्सा आना आपका साइड इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें आपके साइड इफेक्ट में आएंगी। क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या हिसाब होता है। देखिये हम लोगों ने एक डिजीज पड़ी थी जिसका नाम होता था आपका SIADH, सीवियर सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरोटिक हार्मोन, याद है आप लोगों को, सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरोटिक हार्मोन, अगर आप लोगों को याद हो तो। इस डिजीज के अंदर क्या होता था कि आप लोगों का एक तरह का एंटीडायरोटिक हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा पैदा होता था। ये एंटीडायरोटिक हार्मोन क्या काम करते थे, ये जनाब किडनी के ऊपर आते थे और V2 रिसेप्टर्स की मदद से ब्लड के अंदर क्या करवाते थे, ब्लड यानी कि आपके यानी कि एक तरह का जो था वॉल्यूम को, फ्लूड को वो बहुत ज्यादा लेके जाते होते थे यहाँ पर। अब हमने देखना है कि हम ये यूज कर सकते हैं ड्रग्स जो कि जनाब V2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें, जब V2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएगा तो ADH जो होगा भी डायरेक्ट नहीं करेगा। वो कौन सी ड्रग्स होती हैं जो यहाँ पर एक्ट करने से बचाती हैं, टोलवेप्टोन, कोनीवेप्टोन, इसको हम क्या कहते हैं, ADH एंटागोनिस्ट, ठीक हो गया। आपने कहना ADH एंटागोनिस्ट रिसेप्टर्स, वेप्टोन, टोलवेप्टोन, कोनीवेप्टोन, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, टोलवेप्टोन, कोनीवेप्टोन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ADH एंटागोनिस्ट, ऐसे ही ADH में यूज होता है ब्लॉक एक्शन ऑफ द ADH ऑन V2 रिसेप्टर्स। क्लियर है बच्चों? अब देखें आगे, देखें
और किसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, आपकी एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम होता है डिमेक्लोसाइक्लिन, ये भी सेम यही काम करती है जैसा कि टेट्रासाइक्लिन हम यूज करते हैं, ये भी जनाब आपकी एस आई एडीएच के अंदर इस्तेमाल होती है। तो आपने कहना एडीएच एंटागोनिस्ट और टेट्रासाइक्लिन एस आई एडीएच, ठीक हो गया, इसके अंदर हम ये यूज करते हैं डिमेक्लोसाइक्लिन और ये सारे कुछ जो होते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं कि आगे क्या है। देखिये बच्चों, जो डेस्मोप्रेसिन होता है उसका दूसरा नाम होता है एडीएच, डेस्मोप्रेसिन का ही दूसरा नाम एडीएच होता है। जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस की डिजीज है। कौन सी डिजीज है आपकी? एक तरह की डायबिटीज इंसिपिडस की डिजीज है। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता था, जब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता था तो आपका एडीएच की प्रोडक्शन ही नहीं होती थी, आपकी एडीएच की प्रोडक्शन ही नहीं होती थी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। तो हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे की सेंट्री ही प्रोडक्शन ना हो रही हो तो क्या हम एक तरह का एडीएच डेस्मोप्रेसिन बाहर से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? शाबाश, जल्दी बताइएगा जी, हम इस बंदे के अंदर एडीएच दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, ये एडीएच आपने दिया क्योंकि इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, अब आपका ये क्लियर होगा कि हाँ जी जनाब हम इसके अंदर ये दे सकते हैं। एक और बच्चों बात होती है, वो क्या कि ये जो एडीएच होता है ये फैक्टर एट को स्टिमुलेट करता है, समझ आ रही है, फैक्टर एट को। इस वजह से जो वोन विलिब्रन डिजीज होती है उसके अंदर भी ये यूज होता है, और हीमोफीलिया ए जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फैक्टर एट की डेफिशिएंसी होती है। तो आपने ये अब ब्लड के अंदर जाकर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाँ जी जनाब डेस्मोप्रेसिन जो होता है ये जनाब आपके फैक्टर एट को बेसिकली उसकी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ये वोन विलिब्रन डिजीज के अंदर भी आपकी हेल्प करता होता है। तो आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर इस्तेमाल होता है, वोन विलिब्रन डिजीज के अंदर इस्तेमाल होता है, हीमोफीलिया ए के अंदर इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया ए क्या काम करवाती है, ये हीमोफीलिया ए जो होता है ये फैक्टर एट को ब्लॉक करवाती है। यहाँ पर देखें स्लीप एनियोरोसिस, जो बंदे जिनको जनाब स्लीप मतलब के रात सुकून से अगर नहीं सोते, यूरिन आ रहा उसके अंदर भी देंगे। क्यों? अब देखो एक बंदा है वो जनाब रात को यूरिन मतलब के कर देता है, ठीक हो गया, अब वो उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, आप देखें उसकी उम्र है तकरीबन 10 या 11 साल, अभी भी उसका ये होता है कि जनाब बेड के ऊपर इसने यूरिन कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एडीएच की ड्रग देंगे। एडीएच की ड्रग क्या काम करेगी, एडीएच की ड्रग ये काम करेगी कि ये जनाब आपका जब वो सोएगा एडीएच दोगे आप लोग, जो आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स पे आएगा जो यूरिन बनना होता है उससे, तो ये जनाब आपका फ्लूइड जो होगा वो ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया, तो जो आपका फ्लूइड होगा वो ब्लैडर के अंदर जाएगा, जब ब्लैडर के अंदर ही नहीं गया तो यूरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर क्या यूज करते हैं, आपका स्लीप एनोरोसिस के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। कोई बच्चा जिसको ना समझ आई हो यहाँ तक, शाबाश, आगे हम चले। ओके, नेक्स्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन, वही बात है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी टर्नर सिंड्रोम इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीटोसिन। देखें बच्चों ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बेसिकली हर गायनी के अंदर तो इस्तेमाल होता ही होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये लेबर के इंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम ही होता है कि यूट्रस को कंट्रैक्शन करवाना और सर्विक्स को डायलेट करना। अगर आप यूट्रस को देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो यूट्रस होती है वो जनाब आपकी एक तरह की ये अगर आप यूट्रस देखते हैं तो यूट्रस इस तरह होती है, ठीक होगा, ये यूट्रस है, ठीक है, और जो सर्विक्स है ये बिल्कुल आगे नीचे वाला पोर्शन होता है, ये काम क्या करेगी, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। अब यहाँ पर बेबी पड़ा हुआ है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होगा, आप आगे से रास्ता ये ओपन करेगी, जब रास्ता ओपन होगा तो क्या होगा, डिलीवरी इजिली होगी। तो आपने कहना ये इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर यूज होती है आपकी ऑक्सीटोसिन, ब्लीडिंग के अंदर ये इस्तेमाल होती है, ठीक है, कि ताकि आपकी यूट्राइन हेमरेज ना हो उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती होती है। इसके दो मेन काम है, एक क्या है, एक तरह का आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसका एक काम होता है कि जनाब आपका स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, और दूसरा क्या होता है, कंट्रोल यूट्राइन ब्लीडिंग। तीसरा और काम भी होता है इसका, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क के अंदर भी इस्तेमाल होता है। कहाँ पर आपका, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क के अंदर भी होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोलैक्टिन का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, लेकिन इसका क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है इजेक्शन करवाना उसकी। तो इसके तीन काम होते हैं, इजेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल होता है इसका। आगे आ जाओ जनाब, सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होता है, नंबर थर्ड। देखो सोमैटोस्टेटिन जो होते हैं वो ऑक्टियोटाइड्स होते हैं, ऑक्टियोटाइड्स जो होते हैं ये बच्चों आपके ना हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में जब आप मेडिसिन की रोटेशन करोगे ना तो मेडिसिन की रोटेशन के अंदर बहुत अनिवार्य आपकी इस्तेमाल होती है ये ड्रग, ये आपकी जो है ना इस ड्रग का बहुत इस्तेमाल है। ये कैसे,
हर दूसरे बंदे को पाकिस्तान के अंदर ही अरकान का मसला है, और हर बंदा जो है वो लीवर सिरोसिस के साथ आपको पेशेंट आता है, बहुत पेशेंट। अगर आप पेशेंट देखोगे तो पेशेंट में से तकरीबन 40-50% जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ अपर जीआई ब्लीडिंग की होती है। तो आपने अपर जीआई ब्लीडिंग के अंदर ये ऑक्टोटाइड देना होता है, जिसको हम कहते हैं एसोफेजियल वेरिसिस के अंदर आप देते हो, ठीक हो गया, सोमेटोस्टेटिन। अगर मैंने आपको एक्रोमिगैली जब पढ़ा रहा था तो तब भी मैंने बताया था कि ऑक्टियोटाइड हम ड्रग के अंदर देते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ देंगे, एक्रोमिगैली के अंदर देंगे, कार्सिनाइट सिंड्रोम के अंदर देंगे, गैस्ट्रिनोमा के अंदर देंगे, ग्लूकागोनोमा के अंदर देंगे, एसोफेजियल वेरिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप फिर भी देख लीजिएगा, गैस्ट्रिनोमा, उसके बाद में आपका ग्लूकागोनोमा, कार्सिनाइट सिंड्रोम, इसके अंदर भी हम ये यूज करते होते हैं। पीछे बस ये दो तीन रह गए ड्रग्स, उसके बाद फिर आप लोगों का ये चेक खत्म, एंड उसके बाद आगे देखते हैं कि आपकी जो ड्रग होती है फ्लुट्रोकोर्टिसोन क्या होती है। फ्लुट्रोकोर्टिसोन देखें बच्चों, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक पेशेंट है, उसको प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशिएंसी है, प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशिएंसी वाला जो पेशेंट था उसको हम क्या कहते थे, एडिसन डिजीज कहते होते थे ना, प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशिएंसी है, मतलब कि प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशिएंसी है, ठीक है। जब किसी बंदे को प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशिएंसी हो जाए तो मुझे अब आप लोगों ने बताना क्या क्या इसमें से किसी तरह के हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। मेन इसमें से जो हार्मोन पैदा होते थे वो कौन से थे, वो जनाब आपका एल्डोस्टेरोन था, वो जनाब आपका कोर्टिसोल था, वो जनाब आपका एंड्रोजन था। क्या इन तीनों हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, इन तीनों हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इन तीनों हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर जनाब आपका एक तरह का हाइपोटेंशन हो गया बंदे का, पेट के अंदर दर्द होगा, MSH का लेवल ज्यादा होने की वजह से बंदे को पिगमेंटेशन होगी। ये बातें हमने पहले पढ़ी हुई, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने कहना हाइपोटेंशन होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, उसके बाद जनाब बंदे को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी, उसके बाद जनाब आपने कहना हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, साल्ट क्रेविंग्स होती है, ये सारा कुछ आप देखते हो। तो आप क्या दोगे, अब बाहर से ये हार्मोन्स दोगे, और बाहर से जब आप हार्मोन्स दोगे तो वो क्या होगा, फ्लुट्रोकोर्टिसोन। अब देखें जब ये बाहर से आप बहुत ज्यादा दोगे हार्मोन, जस्ट इमेजिन करें ये आपका आपने एक तरह का देना है, ठीक हो गया। अब देखें क्या है मैकेनिज्म, क्या है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एल्डोस्टेरोन विद लिटिल ग्लूकोकोर्टिकॉइड इफेक्ट, मतलब इसके अंदर क्या है, एल्डोस्टेरोन भी है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, कोर्टिसोल भी, और आपका एल्डोस्टेरोन, वो ये बात कर रहा है, ठीक हो गया। अब देखें क्लिनिकल यूज क्या है, मिनरलोकोर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, तो हमने भाई यही देखा था। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये देखिए सिमिलर टू ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड का साइड इफेक्ट क्या था, हाँ जी आपका क्या था, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता था, आल्सो एडिमा, एग्जर्बेशन ऑफ द हार्ट फेलियर, हाइपर पिगमेंटेशन। ओ भाई सिंपल सी बात है, जब आपका फॉर एग्जाम्पल ये हम सारा रिप्लेस कर रहे हैं, फ्लुट्रोकोर्टिसोन जब देंगे तो आपका अगर MSH के लेवल ज्यादा होगा, जब MSH का लेवल ज्यादा होगा तो हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ठीक हो गया। एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा क्या काम करती थी, फ्लूड की रिटेंशन करवाती थी कि नहीं करवाती थी, ज्यादा से ज्यादा फ्लूड होगा, जब ज्यादा से ज्यादा फ्लूड की रिटेंशन होगी क्या होगा, अडीमा होगा, हार्ट फेलियर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये कंसेप्ट, अगर ये होगा आपको पता है एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाना, पोटाशियम और इसको बाहर फेंकना, जब सोडियम जितना ब्लड के अंदर जाएगा उतना ज्यादा फ्लूड जाएगा, जितना ज्यादा फ्लूड जाएगा फ्लूड एक्सर्बेशन हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, एनीवन, फ्लुट्रोकोर्टिसोन भी हो गया, ओके जी। अब आ जाओ सीना कार्सिट, ये सीना कार्सिट वाला क्या मंगा है। देखिए बच्चों आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है, हम लोगों को पता था कि ये पैराथायराइड हार्मोन था, ये कहाँ से पैदा होता था, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर से होता था, ठीक है। ये पैराथायराइड हार्मोन आपका आता था या कहाँ पर, एक तरह का आपने कहना होता था कि ये जनाब आपका मेन जहाँ पर इसने आना होता था वो जनाब आपने ये कहना है कि आपका GIT के अंदर जाता था, GIT के अंदर जाके ये क्या काम करवाता था, कैल्शियम और फास्फेट दोनों की अब्सॉर्प्शन करवाता था, ठीक है, अब्सॉर्प्शन करवाता था। उसके बाद ये जनाब आपका बोन्स के अंदर जाता था, बोन के अंदर जाकर ये कैल्शियम और फास्फेट को बाहर निकालता था, यानी कि रिजॉर्प्शन करवाता था। फिर ये किडनी के पास आता था, और किडनी के पास आकर ये जनाब आपका क्या करवाता था, कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके आता था और फास्फेट को यूरिन के अंदर भेजता था, फास्फेट को यूरिन के अंदर भेजता था। और नेट रिजल्ट क्या निकलता था, कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता था और फास्फेट आपके ब्लड के अंदर कम हो जाता था, ये रिजल्ट निकलता था। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करें बच्चों तो ऐसा ही था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लियर है इस बात का कि हाँ जी जना पैराथायराइड हार्मोन कैसे एक्ट करता था। अब देखो मेरी बात को गौर करना, जस्ट इमेजिन करो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का किडनी ही उड़ गया है, किडनी ही उड़ गया है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, तो फिर आप का जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कैल्शियम को ब्लड से बाहर निकाल, कैल्शियम को ब्लड के अंदर ज्यादा कर सकेगा और क्या फास्फेट को बाहर निकाल सकेगा, शाबाश, तब नहीं निकाल सकेगा।
तो फिर आप क्या काम करते हो? इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में जब आपके ब्लड के अंदर एक तरह का कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए, एक तरह का कम हो जाए, और फास्फेट का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए, तो आपका पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? क्योंकि ये किडनी फेल हो गया है, तो इसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? किडनी फेल होने की वजह से ज्यादा होगी। ये जो पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो हम इसको यूज पता क्यों करते हैं? हम इसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कहना सीना कालसिट जो है वो जनाब आपकी मेन जो ड्रग यूज होती है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर आप यूज करते हैं। आप प्राइमरी के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, किसी के अंदर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेन हम स्कैंडी के अंदर यूज करते हैं। कैसे? देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या काम करता है, मैकेनिज्म क्या है? सेंसिटाइजिंग कैल्शियम सेंसिटाइजिंग रिसेप्टर इन पैराथायराइड ग्लैंड टू सर्कुलेट कैल्शियम लो पैराथायराइड हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन के लेवल को कम करना, ठीक है? ये आपका कैल्शियम एक तरह का हम बाहर से देते हैं, जिसके नतीजे में आपका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या होगा, एक तरह का कम हो जाएगा। ओके, ये हो गया, तनु काम हो गया। अब क्लिनिकल यूज क्या है? सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइड पेशेंट विद सीकेडी रिसीविंग हीमोडायलिसिस हाइपर कैल्शियम इन प्राइमरी हाइपर हाइपर पैराथायराइडिज्म इफ पैराथायराइड पैराथायराइड फेल्स आर इन पैराथायराइड कार्सिनोमा। यानी कि आपने क्या करना है कि एक तरह का पैराथायराइड कार्सिनोमा के अंदर दे सकते हो, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर देख सकते हो, हर किसी के अंदर आप देखते हो। उसका साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैल्शेमिया। इसका काम क्या होता है कि आपने कहना है इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, एक तरह का हाइपोकैल्शेमिया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आइयो, शाबाश। नहीं, ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पता क्या होता है बच्चों, जस्ट इमेजिन आपने इस तरह करना है कि एक बंदा है जिसको सीकेडी है, सीकेडी की वजह से क्या होता था, शाबाश, जिस बंदे को सीकेडी हो जाता, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाता था, उसके अंदर क्या होता था, फास्फेट का लेवल ज्यादा होता था कि नहीं होता था, ये बता दो। फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता था ना, जब ये फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता था, तो ये जो फास्फेट का ये जो लेवल ज्यादा होता है ना, ये फास्फेट बड़ा खबीस होता है। कैसे खबीस होता है? कि ये फास्फेट आपके कैल्शियम के साथ भी लग जाता है। जब ये फास्फेट आपके कैल्शियम के साथ लगता है, तो जो एक्टिव कैल्शियम है इसको एक तरह का इनएक्टिव कर देता होता है, ये काम करता होता है। अब देखें, एक किडनी का पेशेंट है जिसके अंदर फास्फेट का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। एक तो फास्फेट का लेवल ऐसे बड़ा है, दूसरा फास्फेट जो बड़ा हुआ फास्फेट होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, और उस कैल्शियम के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देता है, वो किसी काम के लिए छोड़ता ही नहीं उसको। तो हमारा किडनी का पेशेंट जिसके अंदर फास्फेट बड़ा हो, हम उसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि उसका जनाब एक तरह का फास्फेट का लेवल कम करें। हम ये नहीं चाहते कि हाँ यार किसी तरह फास्फेट का लेवल कम करें, क्योंकि हमें पता है कि सीकेडी का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, वो तो हमने कम कर लिया था वो तो हम लोगों ने कम कर लिया था। वो तो हम लोगों ने कैसे कम किया? हमने सीना कालसिट दे के कर लिया, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो पेशेंट जिसको सीकेडी हुई पड़ी है, सीकेडी के अंदर हमें फास्फेट का लेवल भी कम करना है, क्योंकि आपको पता है सीकेडी के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक फास्फेट का लेवल बड़ा हुआ, दूसरा पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम हुआ हुआ, और सॉरी, फास्फेट का लेवल बड़ा और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बड़ा हुआ, हमने इनको दोनों को कम करना है। पैराथायराइड हार्मोन के लेवल को हमने कम किया सीना कालसीट देके, फास्फेट का लेवल कैसे कम करेंगे? देखें बच्चों, ये जो आपका ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं सेविलिमर, इसका काम पता क्या होता है? ये जनाब आपका एक तरह का फास्फेट की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से होने ही नहीं देता। जब आपकी फास्फेट की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से होगी नहीं, तो क्या होगा? आपने कहना है कि फास्फेट आपके ब्लड के अंदर जाएगा ही नहीं। जब आपके ब्लड के अंदर जाएगा नहीं, क्या होगा? तो जीआईटी से ये जनाब आपके एक तरह का स्टूल के जरिए जाएगा। तो अगर जीआईटी से जा रहा है तो बंदे का जीआईटी अपसेट होगा कि नहीं होगा? और जब फास्फेट सारा बाहर निकलता रहेगा तो हाइपोफास्फेटेमिया हो सकता है। बात को समझे कि नहीं समझे? ये जो ड्रग होती है वो क्या करती है, वो एक तरह की फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को ही निर्भर कर देती है। जब आपकी फास्फेट की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो ब्लड के अंदर फास्फेट ही कम होगा। जब ब्लड के अंदर फास्फेट ही कम होगा तो क्या होगा, फास्फेट स्टूल के अंदर जाएगा और जीआईटी प्रॉब्लम होगी। जब ज्यादा से ज्यादा फास्फेट अगर स्टूल के अंदर चला गया तो क्या होगा, हाइपोफास्फेटेमिया हो जाएगा। यही है नॉन अब्जॉर्बेबल फास्फेट फास्फेट बाइंडर, नॉन अब्जॉर्बेबल फास्फेट बाइंडर दैट प्रिवेंट फास्फेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, हाइपरफास्फेटेमिया एंड सीकेडी, हाइपोफास्फेटेमिया, जीआईटी अपसेट, ये जनाब इसका होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश अनिमन जी,
ओके जी।